इकाई एक, दयालु शिकारी। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इन वाक्यों को सुनिए। क्रमशः 6 वाक्यों। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा की गई है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की परिभाषा सुनिए। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, जाति, पदार्थ का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। एक, राम और लक्ष्मण भाई थे। दो, हिमालय ऊंचा पर्वत है। तीन, गुलाब का फूल अच्छा है। चार, रमेश हर रोज स्कूल जाता है। पांच, सब गांधीनगर जा रहे हैं। छह, आज बिल्ली दूध पी गई।